हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। अते इस वीडियो विच असीं करांगे पंजाबी जमात दसवीं मनगी पुस्तक विचों रघुवीर टंड जी की कहानी जिसका नाँ है मड़ियाँ तो दूर। दोस्तों ध्यान रखो कि एक एक्सप्लेनेशन एंड समरी वीडियो है जिस विच असीं इस पाठ की एक्सप्लेनेशन एंड समरी नूं कवर किया है, पर जे आप सारे ने साडे नाल इस पाठ का सार प्रश्न उत्तर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं तो असीं उसकी एक अलग तो वीडियो बनाई है जिसका लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता गया है। तो पाठ की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवी वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकना और शुरू कर दें। तो दोस्तों सब तो पहले सानू मड़िया का अर्थ पता होना चाहिए। तो मड़िया वो थान होंगी है जिथे मुरदियां दफन किया जाता है। तो कहानी के शुरू में असं यह देखते हैं कि बलवंत राय है वह 25 साल तो इंग्लैंड रह रहा है तो भारत इंडिया आया हुआ है। तो उसकी माँ उसनू कहती है कि तेरे दोवें कुड़िया ते मुंडा उत्थे ही जम्मे पले ते जवान होए ते हुण तू वोटी दा ही बन के रह गया। ते लोकां दे मुंडे अपनी मावां नू किन्नी वारी विदेश इंग्लैंड लै गए हैं ते तैनूं कोई शर्म हया है कि नहीं, मैं की मूँह दिखावांगी गुआंढणा नू। ते इह कह के बलवंत राय की माँ रोण लग जाती है। तो बलवंत राय अपनी माँ नू कहिंदा तुसीं इंग्लैंड जाणा गल खतम, मैं तुहानू नाल लै जावांगा। तो बलवंत राय अपनी माँ नू इंग्लैंड लै जांदा। तो इंग्लैंड पहुँचदे ही पहले एतवार नू लेखक बलवंत राय उसकी पत्नी बिंदू उसके तीन बच्चे तो बलवंत राय की माँ को खाने पर सद्दा। तो उस तो बाद की होंगे बलवंत राय की माँ की भाषा सुन के लेखक की पत्नी पूछती है उसनों कि तुसी पाकिस्तान तो आए लगते हो। तो बलवंत राय की माँ कहती है हाँ धीए रावल पिंडी हो। तो लेखक की पत्नी कहती है कि मेरे माता जी भी रावल पिंडी दे ही ने। तो उस तो बाद बलवंत राय की माँ कहती है फिर तो तू मेरी भेणेवी का अर्थ होंगे भैन की धी हुई। फिर लेखक की पत्नी कहती है हाँ मासी जी। तो उस तो बाद लेखक अते उसकी पत्नी बलवंत राय की माँ को मासी जी कहन लगे तो उन्हों का उस नाल मोह पै गया। तो बलवंत राय बहुत ही सीधी गल करता तो वह अपनी माँ को कहता है कि असी का इत्थे अर्थ है बलवंत राय तो उसकी वोटी बिंदू 6 बजे दुकान खोलते हैं, शामी 9-10 बजे दुकान बंद करते हैं। तो तुसी इत्थे इंग्लैंड अपना दिल आप ही लाना है जे उदास हो। तो इन्हों का अर्थ है लेखक अते उसकी पत्नी नू फोन कर लेना, यह बड़े ही चंगे बंदे हैं तो इन्हां कोल वक्त ही है। फिर मासी पूछती है कि यह कोई कम नहीं करते। तो बलवंत राय कहिंदा करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सवेरे 9 बजे जाते हैं तो 5 बजे घर आ जाते हैं। तो शनिवार एतवार इन्हां दी पूरी 2 छुट्टियां। तो हुण की है कि असीं देखिया कि मासी का सुभाव है बहुत ही मिठा तो मिलापड़ा सी। तो हुण अगला संडे आ जाता, अगला एतवार आ जाता। तो अगले एतवार नू लेखक पूछता मासी जी नू कि तुसीं गुरुद्वारे जाओगे कि मंदिर। तो मासी कहती है कि पुत्तर की फर्क है, दोवें थान चलांगे, सवेरे गुरुद्वारे चलांगे, शामी मंदिर चलांगे। तो मासी कहती है कि फर्क वाली बीमारी तो हुण चली है, पाकिस्तान विच तां हिंदुआं नूं गुरु घर नाल बहुत प्यार हुंदा सी अते वह एक पुत्तर नूं सिख जरूर बनांदे सन। तो लेखक नूं मासी दी इह गल बहुत चंगी लगी। तो इस गल विच लुकी नेक भावना ने लेखक नूं की लिया। तो हुण लेखक ने गुरुद्वारे जाण समय बलवंत राय तो पुछया भी उसने भी जाना है। तो बलवंत राय ने कहा कि सानू एतवार नूं 4 घंटे ही मिलते हैं तो साढ़े तो यह स्वर्ग ना खो। तो हुण असीं पहलां ही देख चुके हैं भी बलवंत राय सवेरे जल्दी जाता तो राती काफ़ी लेट आता तो उस कोल समा नहीं है। तो बलवंत राय का मुंडा अनंत तो पूछा जाता है कि गुरुद्वारे तो मंदिर जाना है। तो वह कहता सॉरी अंकल जी, मैं अपने फ्रेंड्स नाल पहलां ही प्रोग्राम बना चुके हाँ। तो बेटी अनीता तो पूछा जाता है तो वह कहें कि मैं अच्छ टीवी देखना है। बेटी मीरा नूं पूछा जाता है तो वह कहती है अंकल जी जे मैं ना जावां तो तुसीं माइंड तो नहीं करोगे, मैनू मंदिर गुरुद्वारे जाना चंगा नहीं लगता, मैं घर ही रहांगी तो मम्मी की हैल्प करांगी। तो मासी फिर लेखक के नाल गुरुद्वारे जाती है, मासी मत्था टेकती है तो उस तो बाद लंगर विच रोटियां पकाती है। तो मंदिर में मासी जी ने भजन गाए तो दोवें थावां मंदिर अते गुरुद्वारे के प्रधान मासी जी तो बहुत प्रभावित होए। तो हुण असीं यह देखिया कि शुरू में मासी इंग्लैंड बहुत खुश सी, मासी नूं इंग्लैंड स्वर्ग वर्गा जापिया। तो उधर की साफ सफाई देख के यह देख के कि उधर कोई हॉर्न नहीं बजाता, उधर दुध ते पनीर की भी कोई घाट नहीं है, तो उधर बहुत ही सुख सुविधावां हन। तो मासी इंग्लैंड बहुत खुश होंदी है। तो लेखक नूं मासी कहती है कि वह बलवंत राय नूं यह कह दे कि उसनूं उधर ही रख लवे ते बाई ते बाऊ जी नूं भी बुला ले ते साढ़े दोहां दा जहान है साढ़ा दोहां दा इस जहान ते आना सफला हो जाएगा। तो हुण की हुंदा कि असीं यह देखते हैं कि एक दिन लेखक बीमार सी ते वह कल्ला सी ते मासी जी नूं फोन करके बुलांदा। तो मासी नूं कहिंदा है कि मणियां वर्गे चुप है सानूं खाण नूं आउंदी है। तो मासी कहती है मणियां सिवियां वर्गे नैश बोलना बोलिया कर, इत्थे दा स्वर्ग है, तू तो इंग्लैंड स्वर्ग विच बैठा है, तो भारत विच भी लोग हुण पहलां वर्गे मिलनसार नहीं,
चंडीगढ़ वर्गे शहरों में तो गुआढ़ी की गुआढ़ी नाल सांझ ही नहीं। तो हूँ असी यह देखा कि मासी इंग्लैंड काफ़ी खुश है, बट यह कहानी है फ्लैशबैक दी, कुछ समय पहला की गल है। तो हूँ करंट सिनेरियो की हो रहा की होया कि हूँ मासी ने लेखक को फोन करके बुलाया, तो लेखक है मासी के घर जाता, मासी के पैरों वल चुकता, तो देखता है कि मासी दे जदों मासी लेखक के सिर उपर हथ रखती है तो लेखक यह महसूस करता है कि मासी के हथ में वो जान नहीं है। तो मासी काफ़ी रोन लग जाती है, तो मासी लेखक को कहती है कि तू बलवंत नूं आख के मैनू छेती ही इंडिया भिजवा दे। तो लेखक पूछता कि तुहानू किसी ने कुछ कहा, तो मासी कहती है दुख तो यह है कि इत्थे कोई किसी नूं कुछ कहिंदा ही नहीं, सवेरे सारे चले जाते हैं, राती काफ़ी लेट आते हैं। तो भारत बाऊ जी और भैन जी की चिट्ठी आई सी, तो मैं बलवंत नूं कहा कि चिट्ठी पढ़ लै, तो बलवंत कहता कि मेरे को चिट्ठी पढ़न का समा ही नहीं है। तो मासी उस तो बाद लेखक नूं कहती कि उसकी नूं दा सुभाव गोरियां तो भी भैड़ा है। तो एक दिन उन्होंने दुकान पर लै गई, तो एक छोटी जी दुकान छोटी जी थान पर 15 घंटे ताड़ी रख्या। तो उस तो बाद मासी कहती है कि बलवंत राय का मुंडा तो छोटी कुड़ी पोता तो पोती उसके मासी के मापिया के कहने विच ही नहीं। तो छोटी कुड़ी नू मासी ने एक पैड़े वाला वाले नाल गेट तक आंदा देखा, तो पर माँ बाप भी उस छोटी कुड़ी वाल ध्यान नहीं देंदे। वड्डी कुड़ी चंगी है पर उस नाल बोली दी सांझ नहीं है, बस हैलो तो गुड नाइट करन वेले मासी नू चुम लैंदी है। तो उस तो बाद मासी कहती है लेखक नू, पुत्तर जे तू इंडिया पहुँचाने विच मेरी मदद करे तो मैं तेरा एहसान भुलांगी ही नहीं। तो मासी काफ़ी रोन लग जाती है, तो लेखक कहता मासी नू हुण तुहानू इंडिया ही जाना चाहिए, नहीं तो मड़िया वर्गी कल तुहानू निगल लवेगी। तो मासी कहती है ऐ तो मड़िया तो भी दूर कोई थां है, मड़िया विच तो फिर भी धुप आती है, हवा चलती है, पंछी चहकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के अंत में असी यह देखा कि जिहड़ी मासी नू इंग्लैंड है वो मड़िया तो भी दूर है कोई थां लगी।